YND News, आप देख रहे हैं YND Network, नई सोच नई खबर के साथ। कोई रोग टैबलेट से ठीक होता है तो किसी को इंजेक्शन देना पड़ता है, तो जब टैबलेट देते हैं तो टैबलेट देते हैं, जब इंजेक्शन देना है तो इंजेक्शन देंगे, जब शॉक देना है तो शॉक देंगे, तबीयत ठीक करेंगे ये तय है। निर्णय 100% बदलणार नाही, कारण हा निर्णय देवेंद्रजी दादा आणि रवी सावंतांनी मिळून घेतला आहे। केवळ मेहता व्यास नाही, भारतीय जनता पार्टी कुठल्याच नेत्याच्या अंगणाच्या उंबरठ्यात बांधलेली पार्टी नाही। मीरा भाईंदर बीजेपी पार्टी में कार्यकारिणी समिति के सभापद हुए निरस्त। आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी ने जब से रवि व्यास को जिला अध्यक्ष पद दिया है तब से पार्टी में दो गुट बनकर तैयार हो गए हैं। एक तरफ नरेंद्र मेहता समर्थक है जो रवि व्यास को अपना नेता मानने से इनकार कर रहा है, वहीं रवि व्यास है जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नरेंद्र मेहता साथ आएं और पार्टी को मजबूती दें। बीते दिन बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कार्यकर्ताओं और मीडिया को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि जिला अध्यक्ष पद का चुनाव मेरिट पर हुआ है, अब कोई बदलाव संभव नहीं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को मिलकर पार्टी के लिए काम करना है। रवि व्यास को पाटिल ने कहा, आपके हाथ कमान दे दी है, अब आप कमेटी बनाएं और पार्टी को मजबूत करें। तो ये पार्टी मेरिट पे चलती है, मेरिट पे रवि अध्यक्ष बने हैं, मेरिट पे ही पदाधिकारी बनेंगे। ये हा माझ्या डाव्या बाजूचा हा माझ्या उजव्या बाजूचा असं पार्टी चालणार नाही, रवीने पण चालू नये। कॉर्पोरेशनची तिकीट सुद्धा मेरिटवरच दिली जातील। हालत को देखते हुए पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। बीते दिन नवनिर्वाचित जिला महामंत्री अजय सिंह ने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने कार्यकारिणी समिति में मीरा भाईंदर के सभी पद निरस्त कर दिए हैं। पत्र में अजय सिंह ने साफ कर दिया कि कोई भी पदाधिकारी वर्तमान दिन से दिए गए पद का उपयोग नहीं करे, जल्द ही नई कार्यकारिणी समिति बनाई जाएगी जिसके तहत पद दिए जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति पद का उपयोग करेगा तो वो मान्य नहीं होगा और उस पर पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है। आइए जानते हैं अजय सिंह ने हमसे बात करते हुए क्या कहा। अजय जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको जिला महामंत्री का पद मिला है। आपने अभी एक लेटर जारी किया है कि जिसमें पुरानी कार्यकारिणी जो निरस्त की जाएगी, नई कार्यकारिणी बनेगी, तो किस तरह से उस पर काम करेंगे, जरा उसके बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद बधाई देने के लिए आपको, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और जब प्रक्रिया के हिसाब से नया अध्यक्ष चुना जाता है तो पुरानी कार्यकारिणी ऑटोमेटिकली भंग हो जाती है और वहाँ पर जितने भी पद हैं वो निरस्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ कार्यकर्ता नए जुड़े थे जो पदाधिकारी बने हैं, बहुत लोग तो अपने आप इस चीज़ों को समझ के अपने पद का नाम के आगे लगाने का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत लोग कर रहे थे। तो एक छोटी सी सूचना दी गई और आपने देखा होगा कि इसके ऊपर सब लोगों ने लगभग एक सिरे से मान्यता दी, कोई भी किसी ने उसके ऊपर कटाक्ष विवाद ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये शिष्टबद्ध कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे कार्यकर्ताओं को बखूबी समझ में आता है और उन लोगों ने इसको मान्यता दी। इसके ऊपर कोई भी वाद विवाद खड़ा नहीं किया, इसके लिए सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और इसी तरह सहयोग की अपेक्षा करता हूं। सर, अभी कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल आए थे, उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष मेरिट के हिसाब से चुने गए, तो आपको लगता है कि आपकी जो कमेटी बनेगी वो भी इसी हिसाब से चुनी जाएगी? निश्चित तौर पर, क्योंकि हमेशा भी जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है, और आपने देखा भी होगा कि जो 10 लोगों की कमेटी दी गई उसमें 1-3 ऐसे लोग हैं जो पहले कार्यकारिणी में नहीं थे लेकिन उनको भी स्थान दिया गया, क्योंकि वो कार्यकारिणी में नहीं रहते हुए भी बहुत जवाबदारी से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, लोगों से संपर्क में थे, संगठन के साथ में काम कर रहे थे। तो इस तरीके से काम करने वालों को हमेशा वरीयता दी जाती थी और दी जाती रहेगी, और हमारे जिला अध्यक्ष इसको बखूबी करना जानते हैं, और आगे आने वाले समय में जो लोग पद पे अभी नहीं हैं तो जिला और मंडल मिला के करीब करीब 4,000 से 5,000 पद होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि जो हमारी मेन कार्यकारिणी है वैसी ही 20 अघाड़ियाँ हैं जो लगभग 51-61 की होती हैं, तो अगर आप जोड़ेंगे तो 900,000 पद तो जिला में ही होता है और 10 मंडल हैं मंडल में होता है। तो सब लोगों को कहीं ना कहीं जरूर समाहित किया जाएगा और इसके लिए जिला अध्यक्ष जी
उचित समय पे लोगों से मिल के, लोगों से समझ के उचित निर्णय लेंगे और जो भी रहेगा अच्छे तरीके से कार्यकारिणी बनाने का कार्य करेंगे। देखिए, इसके लिए हमारा प्रदेश नेतृत्व सक्षम है और ये जो गुट की बात है तो हम लोग तो संगठन से जुड़े हुए आदमी हैं और जिधर संगठन रहता है हम संगठन को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, तो सब लोग धीरे धीरे समझ आएगी। अगर कहीं कुछ किंतु परंतु है तो हमारे जिलाध्यक्ष और प्रदेश के हमारे वरिष्ठ चंद्रकांत दादा पाटिल, हमारे महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस जी, यहाँ के प्रभारी मिहिर कोटेचा जी, प्रदेश के महासचिव रविंद्र चौहान जी, ये सब चीज़ों के लिए सक्षम हैं और वो इसके लिए प्रयासरत हैं कि भाई जो भी छोटी मोटी समस्याएं शहर के अंदर चल रही हैं उनको सुलझा के सब लोग एकत्रित होकर पक्ष का काम करें और आने वाले समय में महानगर पालिका का इलेक्शन है जिसमें भाजपा जो सीटें लाई थी उसमें कम से कम 10-12 सीटों का इजाफा ही हो, उससे कम नहीं हो। देखिए, ऐसा है कि पहली मेरी बात ही तो मैं पहले हेमंत मात्रे जी के साथ भी महामंत्री था, उसके पहले मैं जिला का उपाध्यक्ष था, उत्तर मोर्चा अगाड़ी का मैं जिला अध्यक्ष था और दोबारा मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो अनवरत संगठन का काम करते रहते हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको बखूबी निभाते हैं। चुनाव में लगाया, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगती है वहाँ एज ए कार्यकर्ता, बूथ प्रमुख, शक्ति प्रमुख, जो छोटे लेवल का हमारा सबसे मतलब छोटा काम बूथ प्रमुख का है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि बूथ कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा पदाधिकारी है, तो उसको हर एक व्यक्ति करता है वहाँ से जुड़े हुए हैं तो उसको तो लेके काम करेंगे। और आगे आने वाले समय में जो कार्यकारिणी बन रही है और जिला अध्यक्ष जी जो जो निर्देश देंगे, प्रदेश से जो निर्देश आएगा उसका पालन करेंगे और जो भी लोग रहेंगे हमारे साथ जुड़े हुए उनके साथ मीटिंग करके उनके साथ काम करने का अपना एक संयम बना के, लोगों को समझा के शिष्टबद्ध तरीके से, जिसको जानकारी नहीं है वो काम, हम लोगों का 75+ का जो है टारगेट है और निश्चित रूप से ये आंकड़ा होगा। और ये जितनी समस्याएं आपको दिख रही हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने प्रदेश नेतृत्व पे, जिलाध्यक्ष पे, ये सारी समस्याएं जो है निश्चित तौर पे सुलझा ली जाएंगी और एक जितने कार्यकर्ता है संगठित होकर मैदान में कूदेंगे और 75 से ज़्यादा सीटें लेके अवश्य आएंगे, ये मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूँ।